फाइनली चाची लोगों ने खाना ना खा लिया था और हम काफी घर में ना बैठ बैठ कर बोर हो रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना मार्केट को घूम लिया जाए। तो चाची भी आई है और मम्मी भी आई है और हम जा रहे घूमी घूमी मार्केट को। अभी शाम का टाइम होने वाला है और यहाँ पर ना नवरात्रि का सीजन चल रहा है, तो नवरात्रि के लिए भी सामान आया हुआ है। और ये देखिए मार्केट ना पूरी घनी हो चुकी है, मतलब ना पार्किंग की भी जगह नहीं हुई है। फाइनली हमने ले लिया है, दादा ने हमें दे दिया, थैंक यू। तो फाइनली हमने ये टॉप खरीद लिया है और यहाँ पे हमारे भाई साहब मिल गए। और भाई साहब क्या हाल चाल? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय एक बार फिर से आपका स्वागत है। सभी दगड़ियों को मेरा प्यार भरा पहला, छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। स्वास्थ्य करती हूँ, आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं ना और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर ही दिया है। तो बात की जाए मौसम की, मौसम तो आज काफी सुहाना हो रहा है। देखिए आज का नजारा कुछ ऐसा हो रहा है। मोबाइल में किसको खींचने हैं? उसको, इसको। हाँ, खींच दो। खींच दिया। अभी देखो पांडा काम कर रही है, पहली बार अभी देखो सभी ये पांडा यहाँ पे काम कर रही है और मैं तो ये काम करके भी आ चुकी हूँ। हेलो हेलो। और वहाँ पे अन्नू झाड़ू लगा रही है छत में और यहाँ पे आमा बैठी है। सौरभ ब्लॉगर हमें नीचे बुला रहे, पता नहीं क्या स्टंट दिखाने वाले इस बारी आपको। मैं नजर नहीं करी मैं दिल्ली भगे तू, दिल्ली भगे तू। कहा को होटल खुल ला स्थित देखो, हम ये देखो इसको अभी सुखा है इसको, अब इसको निकालेंगे, कोदेंगे, इसका कुछ बनेगा, दवाई जैसी बनती है। आंटी बोल रही थी अच्छा दवाई बनती है इससे। अरे ठीक ठीक जी जी, क्या बंद है? वो बुखार की दवाई मिलती है, कभी गला खराब हो गया तो। अच्छा मतलब काढ़ा बंद है इससे। ये देखो यहाँ पर आज के कैरम बोर्ड गेम काफी फेमस हो रहे हैं। ये किसी के लिए नहीं जा रही ना, अब गुन्नू ही देखा। ये आदि निराल दी गोटी। अरे और मिली हमारी चाची से, चाची आई है शेर से, पंजे सर के ऊपर एक गांव पड़ता है शेर से, तो मेरी दादी के लिए भिटोला देने के लिए आई है। हालांकि दादी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन फिर भी हमारी चाची लोग हमेशा भिटोला देने के लिए आया करते हैं। लेकिन इस बार चाची बहुत सालों बाद आई है, जब चाची आई थी तब मैं छोटी थी और मेरे को तो देखने से याद भी नहीं है, लेकिन इस बार देखा मैंने चाची को अच्छे से, मिली है चाची से। हाँ शेर बैठी आ रहे हैं, हम अपन बुआ का रोड दिन के आ रहे हैं और बुआ आता ना थे और जेठान जान और जेठान नन के ना जान उनसे मिलना के ना आ रहे हैं। बहुत साल बैठी आ रहे हैं, बच्चा ना जा बहुत जान हो गया इन्हें, बहुत प्यारी करने की ना। चाची जब पिछली बार याद थे तुम उनके देख ची की ना कहा ना ना दे चलो बाबू, मुझे याद ही ना थी मेरे याद बच्चा बढ़िया लग रहा मुलाया। चाची का इस लगने पे बढ़िया है, मुझे यहाँ को बढ़िया लग रहा है। ये देखो कीवी, एक ये है फ्रूट और एक है अंगूर, आपको भी खाने तो आ जाओ। ये है अंगूर लाइए चाची और मिठाई है एक डब्बा। ये देखो ये मिठाई है। और चाची तो हमारी पुरानी रीति रिवाज के जैसे आटा भी, तेल भी, दालें भी, जो जो कुछ है, मैं पूरा तो अब दिखा नहीं पाऊंगी ना आपको, तो वो तो रख दिया है मैंने, छिपा दिया है तो वो हमने रख दिया है। और मैंने आपको इतनी सारी चीजें तो दिखाई दी और फिर यही लाई है चाची, और चाची को मैंने आपसे मिला ही दिया। और चाची इतना अच्छा खाना बनाती है, वो तो मैं आपको रात को दिखाऊंगी, और जल्द ही मैं आपको चाचा से भी मिलाने वाली हूँ। ये देखो चाची बना रही है इसकी पुड़िया, इधर उधर दे के आऊंगी मैं अभी। ये देखो चाचा, चाचा हेलो कर दी। अभी चाचा और चाची पी रहे हैं चाय। पीने के लिए आया हूँ बिटोला। तो फाइनली
चाची लोगों ने खाना ना खाई लिया था और हम काफी घर में ना बैठ बैठ कर बोर हो रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना मार्केट को घूम लिया जाए। तो चाची भी आई है और मम्मी भी आई है और हम जा रहे घूमी घूमी मार्केट को। ये देखो पांडा भी आई है, पांडा तो आगे। तो हम सब मार्केट को जा रहे हैं, वहाँ पे आपको दिखेंगे आज मार्केट का नजारा कैसा हो रहा है करके। आजकल वैसे तो नवरात्रि है और भीड़ भी वैसे कम ही हो रहती है, लेकिन मार्केट में भीड़ तो होती है क्योंकि कल भी गए थे तो थोड़ा सा दोस्तों के साथ देख लिया था। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको मार्केट का नजारा कैसा हो रहा है मार्केट में पहुँच कर। तो चलिए ले चलते हैं आपको फिर से, अभी तो दूर है मार्केट दगड़ी, अभी तो हम थोड़ा ही चले हैं, तो आज भी तो बहुत ज्यादा चल रहे हैं तो मार्केट जाए तो चलिए फटाफट चलते हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम मार्केट में, देखिए इधर साइड की दुकान है, अभी तो हम आगे टॉप ले जा रहे हैं, फिर आपको दिखाऊंगी यहाँ की मार्केट। तो चलिए आपको चाचा का मेला आने वाला है ना, तो मैं सोच रही इस बार कुछ स्पेशल टॉप खरीदी थी, तो टॉप में जा रही है आगे, तो पांडव को बुला रही क्योंकि मैंने एक अकेले आती तो कन्फ्यूज हो जाती है कौन सा खरीदे कौन सा खरीदा, तो पांडव के साथ में तो उसकी जर्सी कुछ ना कुछ खरीदी, तो जल्दी जल्दी चलते हैं आओ चलो देखते हैं कैसे आते हैं कौन सा और अच्छा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने दादा की दुकान में, दादा दादा हेलो कर दो, हेलो दादा टॉप दिखा दो, दादा टॉप दिखा दो, किस टाइप की टॉप दूं सरप्राइज का है। थैंक यू। तो फाइनली हमने ये टॉप खरीद लिया है और यहाँ पे हमारे भाई साहब मिल गए, और भाई साहब क्या हाल चाल, ये हमारे यहाँ की मेन मार्केट में देख सकते हैं, यहाँ का नजारा अभी कुछ ऐसा हो रहा है और इस तो नवरात्रि का भी सामान आया हुआ है, आपको दिखाऊंगी मैं उस तरफ, ये देखिए मार्केट के पीछे नवरात्रि का भी सामान आया है, चिंगी वगैरह, और पीछे की तरफ फ्रूट की दुकान है। तो अभी का देख सकते हैं नजारा, तो भीड़ नहीं हुई उतनी तो जितनी दिन के टाइम में हुई थी, तो आगे तो फिलहाल मैं आपको ले चलती हूँ कपड़ों की दुकान में। तो देखिए इधर साइड भी बहुत सारी दुकानें हैं, इधर साइड भी जहाँ तक, तो हम पता नहीं कौन सी दुकान में जाए, तो हम फैमिली के साथ तो हम पहले भी गए थे इस बार। ये देखिए मेरी दोस्त अभी तो यहाँ पे क्या लेने आई है, क्या लेने आई जितनी, तो फिलहाल अभी को पसंद नहीं आया तो अब हम आगे जाते हैं, पता नहीं कहाँ पसंद आएगा इन्होंने। और यहाँ अंधेरा टाइप में भी हुआ है और यहाँ ना मॉल टाइप में, हाँ बहुत सारी आई की दुकान है, इधर भी दुकान उधर भी दुकान, और सामने भी बड़ी सी दुकान है, और ये पीछे की तरफ देख सकते हो इस तरह की दुकान दिखाई दे रही है, उस तरफ भी आ रहा है कि थोड़ा कैमरा चमक रहा है ना। तो चाची लोग यहाँ पे माला पसंद कर रहे हैं, ये देखिए नवरात्रि का सीजन चल रहा है, तो जय माता दी और निशान वगैरह यहाँ पर है, फंड देख तो जय माता दी, ये देखिए पांडा देख लिए। तो दगड़ी फाइनली घर तो पहले पहुंच गए थे, वहां से आके चाची लोगों ने चाय पी और अभी फिर शाम ही हो गई थी तो खाने पीने की तैयारी की, तो अभी चाची तो बाहर माड़े बना रही है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, तो मैंने जो जो किया वो दिखाती हूँ। ये देखो आगे तो मैंने पत्ता गोभी काट ली है, और आज मैंने बोला था ना आपसे कि स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ मैं, तो देखो आज मैं बना रहा हूँ पनीर, तो मैंने पनीर भी काट लिए हैं, और ये देखो मटर भी छिलने हैं, और दीना चिराने के लिए बना रही है चाउमीन चाची के लिए, मतलब उबालने के लिए रखी हुई है अभी, तो हाँ हल्दी डाली हुई है क्योंकि आगे पीलापन आ जाता है ना, मतलब तो फिर उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये देखो
पनीर तो उबल रही है, उसके बाद ही चाउमीन बनाएंगे। तो मेरे को तो यही बनाना है, पनीर की सब्जी। और बाहर माड़ी बन रहे और पूजा उजा भी होगी है, तो चलिए आपको दिखाती हूँ चाची के माड़े बनाने। ले चलते बाहर को। ये देखिए चाची के माड़े बनाने की, ये इतनी सारी मीडिया देखी है, ये सबके सब सीख रहे हैं चाची से माड़ा बनाना। मम्मी को तो आते ही है और अम्मा को भी आते ही है। ये देखो बच्चे सीख रहे हैं। निक्को देखो, निक्को आज ही आइए, भिटोला लेने के लिए आइए ना। तो अभी तो कुछ बनानी है, ये फर्स्ट ही है। देखो देखो चाहती बना रही है हमारे, क्योंकि आग में बनाए हुए ना अलग ही टेस्ट आ जाता है, एकदम खाने में मजा ही आ जाता है आग में बना के, एकदम मस्त वाला टेस्ट। तो इसलिए आग में बना रहे आ जाओ। ये देखो हमारी आमा यहाँ पे बैठ के देखिए बातें बातें हमें लगे। और चाची ने हाथ में ये रुमाल बांधा हुआ है क्योंकि चूड़ियाँ गर्म हो जाती है ना, इसलिए आमा को तो वैसे भी चबा नहीं पाती है। आमा का एक ही दांत है, माला चबा नहीं पाती है। ये बन के तैयार हो चुके हैं। आज मिनट बच रखना ना, तो आधा को सिर्फ आधा मिलेगा बोल। एक पलटा मारो मजा करना। अरे मैंने देखा तो अभी तो बहुत सारे माड़े बनाने बाकी है, जब सब बन जाएंगे आपको मैं तब दिखाऊंगी फिर ये। और अभी पहला वाला माड़ देख लो आप, ये देखिए गर्मा गर्म हो रहा है गाइस। दोस्तों लग रही है देखो ये इतना मोटा मोटा है माड़ा, देखना अब तो खाने में टेस्ट आएगा ना इसको, तो अब सारे माड़े बन जाएंगे ना आपको तो तब दिखाऊंगी। अभी चाची ने पूरे माड़े बना दिए है, ये देखिए इतने सारे माड़े बनाए हैं बड़े बड़े, इनमें से एक एक करके इनकी परत जैसी निकलती है और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। अभी हम खाएंगे ना और सब साथ में मिलकर खा रहे हैं आज। और चाची ने देखिए पूरे माड़े बना दिए है और सब्जी भी बनाई हुई है। ये देखो आज बनाई है पनीर की सब्जी, मटर पनीर, और माड़े भी बना दिए हैं। तो ऊपर चाचा भी बैठे हैं और चाची खाना डाल रही है हमारी, तो अब खाना खा लेते हैं। मेरा तो व्रत भी था, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो और अपना ख्याल रखो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।